लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। भगवान के लिए रुक जाओ आप लोग। कौन है तू? क्या पागल हो गया है? माय बाप, आप अपनी सेना कोनो दूसरे रास्ते से ले जाओ, इधर से मत ले जाओ माय बाप। क्या बक रहे हो? हमरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, हमरी और ये गांव वालन की मेहनत माटी में मिल जाएगी। सरकार, हम कहते हैं सामने से हट जाओ। नहीं माय बाप, हम नहीं हटब, हम अपने प्राण दे दे पर तुम लोगों का रास्ता नहीं दे। हमार और हमार गांव वालन की जिंदगी का सवाल है। तेरी ये मजाल तू शाही लश्कर का रास्ता रोकेगा? इस नौजवान के सवाल का जवाब अपने कोड़े से देकर आपने ये साबित कर दिया है कि इसकी बात का आपके पास कोई माकूल जवाब नहीं है। तुम कौन हो? हम कौन हैं ये छोड़िए, मगर आप ये बताइए कि इस गरीब ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी आपने उसे ये सजा दी? इसने शाही लश्कर को रोकने की गुस्ताखी की। और शाही लश्कर को यह हक किसने दिया कि वो किसानों की खून पसीने की कमाई को अपने कदमों तले रोंदता हुआ चला जाए? मनम खान, दरियाफ्त किया जाए कि शाही लश्कर के बढ़ते हुए कदम क्यों रुक गए हैं। हम अभी मालूम करके आते हैं आलमपना। गुस्ताख आदमी, तुझे भी इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। क्या बात है? इन लोगों ने शाही लश्कर को रोकने की गुस्ताखी की है। कहते हैं शाही लश्कर इनकी खेतियां बर्बाद कर देगा। जानते हो शाही लश्कर को रोकना कितना खतरनाक है, और शाही लश्कर की राह रोककर तुम लोग अपनी जिंदगी का रास्ता रोक रहे हो। और ये लहलाती हुई फसलें किसानों की रात दिन की मेहनत का नतीजा है। इनकी हरियाली के रोगों में उनका पसीना है। बेअदब, कितने बेखबर हो। क्या तुम्हारे दिल में बादशाह का कोई खौफ नहीं? और क्या आप खुदा को भूल गए जो बादशाहों का बादशाह है? और तुम्हें ये नहीं मालूम कि बादशाह इस जमीन पर खुदा का साया है, और किसान की फसल खुदा की खुदाई का सरमाया है। ले चलो इन्हें आलमपना के हुजूर में पेश किया जाए।
क्या माजरा है मुन्नम खान? आलम पनाह, इनका कहना है कि शाही लश्कर गुजरने से इनकी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। इनकी बातों में जान है, इनकी दलीलें हमें मकूल नजर आती हैं। आखिर आप चाहते क्या है? सिर्फ इतना जहां पना कि रोटी पर हमारी जिंदगी का दारोमदार है। भूख ना तो फकीर बर्दाश्त कर सकता है ना बादशाह। ये किसान के हाथ है जहां पना जो हमारे लिए रोटी का इंतजाम करते हैं। बेशक आप सच फरमाते हैं जहां पना। बादशाह अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक शहर जीतने के लिए कितने गांव बर्बाद होते हैं और एक इलाका जीतने के लिए कितनी खेतियां वीरान होती हैं। लेकिन ये तो सदियों से होता चला आ रहा है। गुस्ताखी माफ जहां पना, सदियों की भूल को लम्हों में सुधारा भी जा सकता है। सदियों तक भूल करने वालों को जनता आज भूल गई है और गरीबों के साथ गलत व्यवहार करने वाले हर्फ गलत की तरह मिट गए। बहुत खूब, हमें आपकी दलीलें माकूल नजर आती हैं, मगर हमें अपना शाही लश्कर को भी आगे बढ़ाना है और आपके खेतों को तबाह होने से भी बचाना है। बता सको तो बताओ कोई तरकीब, मां बदौलत उस पर गौर फरमाएंगे। ये दुनिया एक बाजार है जहां पना, यहां जब कुछ लिया जाता है तो उसके बदले कुछ दिया भी जाता है। अगर शाही लश्कर गुजरने से किसानों की फसलों को नुकसान होता है तो उनको बेहतर मुआवजा देकर उनकी दुनिया आबाद कर दी जाए। तुम बड़े गहरे आदमी नजर आ रहे हो, क्या तुम इसी गांव के बाशिंदे हो? नहीं जहां पना, खादिम अवध के गांव लहरपुर का रहने वाला है, नाम टोडरमल है। टोडरमल, तो इस गांव में क्या कर रहे हो? जहां पना, पुरानी मुलाजमत खत्म हो चुकी है, अब नई मुलाजमत की तलाश में भटक रहा हूँ। किसकी मुलाजमत में थे आप? आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया जहां पना कि कहीं जवाब सुनकर मिजाज शाही बरहम ना हो जाए। क्या मतलब? जहां पना, खादिम शेरशाह सूरी के दरबार में था, जिन्हें शायद आप अपना खानदानी दुश्मन तसव्वुर करते हैं। क्या काम करते थे आप उनके दरबार में? जहां पना, शेरशाह सूरी किसानों के बहुत बड़े हमदर्द थे। वो हमेशा उनकी भलाई के तरीके सोचा करते थे। उन्होंने ही मुझे मुल्क भर की जमीनों और खेतों की पैमाइश का काम सुपुर्द किया था। आपने वो काम मुकम्मल कर लिया? जी नहीं जहां पना, उनके स्वर्गवास के बाद ये काम अधूरा ही रह गया। बखुदा ये एक अजीम काम था। बेशक शेरशाह सूरी हमारे दुश्मन थे, मगर हमारी दुश्मनी अंधी नहीं, हम दुश्मनों की खूबियों के भी कदरदान हैं। एक अच्छे काम की तारीफ न करके हम गुनहगार नहीं बनना चाहते। टोडरमल, आज से आप हमारे लिए काम जारी रखें। मुलम खान, आज से मां बदौलत टोडरमल को अपने शाही अमले में शामिल करते हैं। इनकी मनसब का फैसला बाद में किया जाएगा और फौरन यह ऐलान जारी किया जाए कि आज से अगर किसी शाही लश्कर से किसी खेत को नुकसान पहुंचता है तो शाही खजाने से किसान को मुनासिब तरीन मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म आलम पना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, सम्राट की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ रखिए। भाई सुना आपने हवाएं क्या क्या खबरें लाई हैं? हाँ भाई सुना है, कोई तोड़रमल है, आलम पनाह पर उसने जादू सा कर दिया है, हिंदू है, जात का खत्री के अंदर है, धोती पहनता है, तिलक लगाता है और सुबह बगैर नहाए पूजा पाठ किए किसी से बात नहीं करता। हमने तो ये भी सुना है कि बादशाह सलामत के खानदानी दुश्मन शेर शाह सूरी के दरबार से निकल कर आया है। अल्लाह खैर करे, आलम पनाह को तो वफादार और मक्कार की पहचान भी नहीं। नहीं भाई, इस मुल्क में खत्री लोग मक्कार नहीं, समझदार होते हैं। हवाओं के साथ चलना और जमाने के रंग में ढलना कोई इन लालाओं से सीखे, बड़े काबिल और दूरंदेश होते हैं। मुझे लगता है आलम पना को हमारी नाराजगी की खबर मिल चुकी है और आज दरबार में कोई अहम फैसला होने वाला है। हाँ चलिए, आलम पना का दरबार में तशरीफ लाने का वक्त हो चुका है, चलिए चलते हैं। चलिए। اہل دربار کی خاموشی دیکھ کر ماں بدولت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی دل کی بات زبان پہ آتے آتے رک رہی ہے۔ ماں بدولت آپ کو یہ آزادی دے رہے ہیں کہ جو سوچئے وہ بولیے، جو محسوس کیجئے وہ کہیے۔ خیال کی آزادی ہر ایک انسان کا حق ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر فیصلے سے پہلے دوسروں کی بات غور سے سن لی جائے۔ جان کی امان عالم پناہ، اہل دربار اور اہل سلطنت حضور کے نئے اقدام پر بہت دور تک سوچنے لگے ہیں۔ بنا جھجک بیان کیا جائے کہ ماں بدولت کے نئے اقدام سے اہل دربار کو کیا الجھن ہے۔ گستاخی معاف شہنشاہ، دربار میں غیروں کا عمل دخل کہیں دربار کی شکل نہ بدل دے۔ دربار کو شکل کی نہیں عقل کی ضرورت ہے۔ حکومت تعصب اور تنگ نظری سے نہیں، ذہانت اور فراق دلی سے چلتی ہے۔ بے ادبی معاف عالم پناہ، لیکن اتنی بھی فراق دلی اچھی نہیں، سب اہر گرے برابر دکھائی دینے لگے ہیں۔ کھل کر گفتگو کی جائے، ماں بدولت آپ کی شکایت سنے بغیر اپنا کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمائیں گے۔ आलम पना, टोडरमल हमारा हम मजहब नहीं और वो अपने धर्म का भी बहुत पक्का है, हमारा उसका मेल नहीं खाएगा। माँ बदौलत भी अपने मजहब के पक्के हैं। माँ बदौलत का मजहब तोड़ना नहीं, जोड़ना है, बिखेरना नहीं, गूंगना है, बांटना नहीं, متحد کرنا ہے۔ ہر فرقے، ہر مذہب کے لوگوں میں میل ملاپ کرنا ماں بدولت کی زندگی کا مقصد ہے۔ ٹوڈرمل ماں بدولت کی منزل کبیل کا پہلا پتھر ہے۔ لیکن عالم پناہ، یہی پتھر کہیں بت نہ بن جائے اور تمام درباریوں کو اپنی چال میں نہ ڈھال لے۔ ذات کا لالا ہے، پہلے خود بدلتا ہے، بعد میں دوسروں کو بھی بدل دیتا ہے۔ ماں بدولت لالا سید الافغان سے بالاتر ہے،
صدیوں سے سات پات اونچ نیچ اور فرقوں کے قید خانے میں بند ہندوستانی سماج کو باب عدالت نے آزاد کر دینے کا تہیا کیا ہے۔ لیکن عالم پناہ، اس فراق دلی سے تو معمولی اور دوسرے ذات کے لوگوں کے لیے شاہی عملے میں شرکت کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ گنجائش نہیں، باب عدالت کا خواب مقصد اور منزل ہے۔ آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے دربار اور شاہی عملے میں افغان اور مغل اس لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ ماں بدولت کسی کو بھی ملازمت دینے سے پہلے اس کو لیاقت و قابلیت کے ترازو میں تولتے ہیں۔ دھرم اور مذہب کا خول پہن کر ماں بدولت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جہاں پناہ، کیا واقعی ٹوڈرمل غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہیں؟ کیا آپ لوگوں میں سے ہمیں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی زمین ہے جو کھیتی کے قابل ہے، کتنے پہاڑ، کتنے دریا اور کتنے جنگلات ہیں؟ زمین کی پیمائش اور حد بندی کر کے اگر کھیتی کی جائے تو غلے کی پیداوار میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ کسان اگر خوش ہے تو ملک خوشحال ہے۔ ماں بدولت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سارے دربار میں کوئی ایسا ایک بھی شخص ہے جو عربی اور فارسی کے علاوہ سنسکرت زبان سے واقف ہے۔ سنسکرت زبان علم کا خزانہ ہے، ہندوستان کو سمجھنے کے لیے سنسکرت زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ گستاخی معاف عالم پناہ، کیا ٹوڈرمل اتنی خوبیوں کا مالک ہے؟ ماں بدولت نے ٹوڈرمل کی خوبیوں کو بہت ہی مختصر بیان کیا ہے۔ غریبوں اور غیر مسلموں کو آپ اپنے گھروں میں ملازم رکھ کر خوش ہیں اور ہمارے دربار میں ان کا اعلی منصب آپ لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ ہم دربار میں عمرہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ماں بدولت کے حکومت کے منزل اور رستے کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ماں بدولت کے قریب رہنا ہے تو تعصب اور تنگ نظری کی آئینک اتارنی ہوگی، اور آج سے ماں بدولت ٹوڈرمل کو مغلیہ سلطنت کے وزیر خزانہ کا منصب عطا کر رہے ہیں، اور ملک کی ساری قابل کاشت زمینوں کی پیمائش اور حد بندی کی ذمہ داری بھی سونپ رہے ہیں۔ عالم پناہ زندہ باد، عالم پناہ زندہ باد، عالم پناہ کا اقبال زندہ باد، عالم پناہ زندہ باد، عالم پناہ زندہ باد، عالم پناہ کا اقبال زندہ باد۔ संकट मोचन हे पवन पुत्र, आप चाहे तो पहाड़ भी जर्रा बन जाए, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है। आखिर प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है प्रभु। दादीमा दादीमा, सिपाही आज फिर लगान वसूल करने आ गए। तू ठहर बेटी, मैं खुद चलती हूँ तेरे साथ। ये सिपाही रोज रोज लगान लेने चले आते हैं, घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, इन्हें लगान कहाँ से दें? क्यों भाई,
आप लोग बार बार लगान लेने क्यों चले आते हैं? हमारा तो खुद ही खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, आपको लगान कहाँ से देंगे? जाइए, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब तुम्हें कोई लगान नहीं देना पड़ेगा। माँ, डरबल तू, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तू कहाँ चला गया था ना? तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी मेरे बच्चे। हे हनुमान जी, आप सचमुच संकट मोचन हो, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा बच्चा लौट आया। आ मेरे बच्चे, आ